subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. तो भांजे कैसे चल रही है तेरी नेट प्रैक्टिस? मैंने 7 ओवरों में सेंचुरी बनाई थी मामू, और एक ही ओवर में 7 विकेट लिए थे। और सुना भाई, गांव में गौरी कैसी है? हो गई उसकी शादी? अच्छा, तो गौरी के नाम पे अभी भी हिलता है मामू? अरे मामू, ये खंडर के बाहर कमिश्नर की तख्ती कैसे लगी है? अरे भाई, यहाँ पर एक बड़ा टेढ़ा आदमी रहता है। अच्छा? हाँ, पता है यहाँ के कमिश्नर ने एक बार उसे दफ्तर में बुलाकर खूब झाड़ा कि खबरदार जो कोई गुंडागर्दी की है तो। बदले में उसने उसकी तख्ती नोचकर यहाँ लगा दी। मतलब ये है कि उसने एक बॉल को रोका और दूसरी बॉल पर ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधा यहाँ पर आके अटक गई। वाह, क्या बैट्समैन है वो। अंदर है क्या? नहीं, मगर यहाँ तो इन लिखा है। लगता है तू इस नगरी में नया नया आया है। जी, सही पहचाना। अबे मूरख, इसमें जब अंदर लिखा हो तो इसका मतलब है उस्ताद अपने ताजमहल में नहीं बल्कि जेल के अंदर है। और जब बाहर लिखा हो तो समझो वो जेल के बाहर है। उस्ताद तो अभी जेल के अंदर है, मगर अब उनके बाहर निकलने का टाइम हो गया है। मुझ माचिस है क्या? नहीं। 10 पैसे की माचिस नहीं रखता और यह चोच वाली पिस्तौल लिए खड़ा है। इसमें गोली है क्या? है, है। उसकी बत्ती बनाकर अंदर डाल। ए लौंडे, माचिस है? माचिस नहीं है। करंट भी नहीं है। क्या? करंट नहीं है। क्या? करंट नहीं है। करंट भी नहीं है, माचिस भी नहीं है। दुकान क्यों खोल रखी है? ए बुढ़िया, माचिस है क्या? नहीं है बाबू। देख अंगूठी में आग होगी। अभी अभी बुझा दी मैंने। आग भी जलाकर रखी नहीं जाती है। दुकान खोल कर बैठिए। सत्यानाश हो जाए तेरा, कीड़े पड़े तेरे जिस्म में, जब तुझे मौत आए तो आग भी नसीब ना हो। अरे कोई आओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा घर के अंदर रह गया। अरे मेरा बच्चा मर गया तो मैं मर जाऊंगी। अरे कोई आओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को We'll be right back.
कैसी है रे खुजली? खुजली नहीं, बिजली। कब आया जेल से? अरे यहाँ आना। मेरा बस चले ना तो तुझे बदमाशों के सरताज की पदवी दे दूं। तू जरूर दूसरों को बातों से ही आउट कर देती होगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। बोल कितना? तू जैसे कटीले जवान से पैसे लेने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, पर क्या करूं, अपनी जवानी काम रखने के लिए 50 चलेगा। चलेगा? अरे इधर कहाँ रख रही है, इधर तेरी दान पेटी है क्या? नहीं यार, दरअसल मैं अपने दिल को मार कर पैसा कमाती हूँ, इसीलिए मैं पैसे को अपने दिल के पास। चल भाषण बंद कर। इतनी जल्दी करता है? मुझे? अरे मुझे मारने वाले को 9 महीने के बजाय 15 महीने में जन्म लेना होगा। ये लोग तो लगता है 7 महीने में ही बीमारी का एप्लीकेशन देकर बाहर आ गए हैं। ए, तूने तिवारी जी के पोस्टर पे गोबर लगाया था? इस काम के लिए मुझे 500 रुपए मिले थे, 100 लगा दिया। आप क्या घंटा? अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई गोबर लगाने की? पोस्टर दीवार पे लगा हुआ था, वरना उस पर बच्चों से सुसु और हग्गू भी करवा देता। शट अप! अरे इतनी जोर से अंग्रेजी में मत चीखो, वरना पेट पे जोर पड़ेगा और हिंदी में कुछ बाहर निकल आएगा। निकलेगी तेरी अर्थी आज इस मोहल्ले से। अभिनंदन तिवारी जी साथ आए हैं ताकि तुझ पर कफन डाल सके। ऐसा करना था तो कुछ दादाओं को साथ ले आते। अमृतांजन, इन लोगों को कहां ले आए जो अपने बल पर खड़े भी नहीं हो सकते? देखो देखो, लाठी पकड़ कर खड़े हैं ये, मुझसे क्या लड़ेंगे? तुम लोग इस लड़के के साथ जाओ और अपनी अपनी लाठियों से गिल्ली डंडा खेलो। ये लो गिल्ली। हमारी गिल्ली तो तू है, खेल का मजा तभी आएगा जब तू नीचे आएगा। साले को ही उतर जाइए मैडम। मैंने पहले ही कहा था, शमशान घाट या कब्रिस्तान, जहां बोलोगी मैं चलूंगा, मगर जहां ये जल्लाद रहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा, कितना हुआ? 12 रुपए। तेरे पोस्टर पे गोबर लगाया तो मिर्ची लग गई। चीकू, ये लो उस्ताद। क्यों,
मिर्ची का झाड़ घुसा कि नहीं? बोल। अरे बेटी ज्योति, तू कब आई? चल अंदर चल। सावित्री माँ, क्या ये आदमी ऐसे ही झगड़ा करता रहता है? अरे जोर से मत बोल, कहीं उसने सुन लिया तो पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ाएगा। चल अंदर चल। चिको, चिको, चल, चल, चलना, चल। ए टेलर की जोरू, यहाँ के फाड़ फाड़ के क्या तमाशा देख रही है? यहाँ कोई नंगा नाच हो रहा है? चल अंदर, नहीं तो बदन की हर सिलाई खोल के रख दूंगा। चल भाग। सावित्री माँ, क्या इसे कोई डांटने वाला नहीं है? अरे इस मुए से कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता, और तू डांटने की बात कर रही है। कहते हैं शनि ग्रह जिसे पकड़े उसे ज्यादा से ज्यादा 22 साल तक ही मुसीबत रहती है, लेकिन ये ऐसा साक्षात शनि है, जब तक जिंदा है हम लोगों की जान गले में अटकी रहेगी। भगवान से यही प्रार्थना है तुम्हारे साथ कुछ ना हो। अरे सावित्री बहन, तुम्हारे घर में ये मेहमान कौन आई है? तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? देखो चेहरे से क्या ये मेरी रिश्तेदार लगती है? अरे अगर ये चाहे तो पूरी बस्ती को खरीद ले, लेकिन मेरे लाख रोकने के बावजूद भी छुट्टी गुजारने के लिए मसूरी शिमला कश्मीर जाने के बदले यहाँ चली आई। पता नहीं इसे क्या सूझी। वो क्या है कि वो ऐसा है कि मैं बस्ती में रहने वालों पर एक नॉवल लिखना चाहती हूँ। अगर खुद से कल्पना करके लिखूंगी तो उसमें सच्चाई नहीं आएगी, इसलिए यहाँ चली आई। तुम कुछ घरेलू कहानियां भी लिखना, मुझे यहाँ के हर घर की कहानी मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा तो काम ही चुगली करके आग लगाना है। खबरदार जो इसे किसी बात में घसीटा तो। चल चल, इसे तो अच्छी बात बोलो तो भी कड़वी लगती है। चल उस्ताद मैं भी चलूं। ओए अबे ओ, नमस्ते। क्यों बे, पूरे मोहल्ले को तू लेटर देता, मुझे क्यों नहीं देता? आपका कोई लेटर आता ही नहीं तो दूंगा कहाँ से? अरे आएगा कहाँ से, कोई डालने वाला होगा तो ना। एक बात बताऊं, अपने को कोई लेटर डालना है ही नहीं। जानता हूँ। जानता तो फिर अपनी तरफ से क्यों नहीं डालता? तेरे को तनख्वाह किस बात की मिलती है? तनख्वाह कितनी मिलती है? 760 रुपए 50 पैसे। 760 रुपए 50 पैसे, तो एक काम कर, 50 पैसे का मेरे नाम से तू लेटर डाल दे, नहीं तो 760 रुपए का मनी ऑर्डर कर दे। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को जो सूट करता है तू कर। लेटर ही डाल दूंगा। एक हफ्ते में एक जरूर डालना। हाँ। वरना तुझे टुकड़े टुकड़े करके लेटर की तरह रिश्तेदारों में बांट डालूंगा। चल भाग यहाँ से और साइकिल यहाँ रख के जा। ये साइकिल सरकारी नहीं, मेरी है। तो मैं क्या करूँ, तेरी आरती पर बैठकर जयकाल को मिलने जाऊँ? चल भाग यहाँ से। ये कहां से टपक पड़ी? सामने के घर में नई नई आई है। ये साइकिल पकड़, मैं अभी साले को पंचर किए देता हूँ। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, छोटों के मुंह लगना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे मैं संभालूंगा। ठीक से समझा देना, अगर मर्दों को छेड़ने का इतना ही शौक है तो एक दिन कोटे पर बैठा दूंगा। फिकर नॉट उस्ताद, मैं उसे ऐसी हूल दूंगा कि जिंदगी भर के लिए गूंगी हो जाएगी। ए, क्या तुम घर में ये बोल के आई हो कि यहाँ से सही सलामत नहीं लौटोगी? अगर इस मोहल्ले में रहना है तो ठीक से रहो, वरना उस्ताद तोड़ फोड़ के कहीं बेच डालेगा। वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। अबे, अरे बैठो। अच्छा ये बताओ, जब सब लोग उससे इतना डरते हैं तो तुम उसके साथ कैसे रह लेते हो? ये सवाल ठीक किया तुमने। उस पर जब दारू चढ़ जाती है तो वो जरूर किसी ना किसी को मारेगा। अगर कोई नहीं मिला तो मुझे बुलाकर पीटने लगता है। महीने में 5-10 बार मार खाई भी तो क्या, कभी कभी एक झटके में 200-300 रुपए दे देता है। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यस यस, वेरी डेंजर आदमी। अठन्नी है। अठन्नी? ए रुपया है, चल रख ले, क्या याद रखेगा। थैंक यू। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आखिर वो सब मेरे हाथ में है, मैंने उनको सब बता दिया है और सब बराबर कर देंगे। ए, क्या
डायरेक्ट अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे जयकाल साहब से मिलना है। तो मैं यहाँ काहे के लिए खड़ा हूँ? जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो। नहीं, मैं उन्हीं से कहूंगा। जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है विनय चंद्र राठौड़। शॉर्ट में क्या होता है? VCR, यानी क्या होता है? वीडियो। जयकार साहब अगर टीवी है तो मैं उनका VCR हूँ, समझा? जो रील मैं घुमाऊंगा वही उनकी पर्दे पर नजर आएगी, समझे क्या? कुछ भी हो, मुझे जो कुछ कहना है मैं उन्हीं से कहूंगा। तूने पैदा होते ही घिसा हुआ रिकॉर्ड सुना था क्या? एक ही जगह पे तेरी सुई अटक जाती है। मैं उन्हीं से कहूंगा। चल। न जाने सरकार की कितनी सुरंगें खुली हैं, हर बात कहीं ना कहीं से घुसी जाती है। कैसे आना हुआ श्यामलाल? 50 बसों का रोड परमिट दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। पान की दुकानों से जो अफीम गांजा बिकता है उनकी इनकम। सरकारी गोदाम से गेहूं के 2000 बोरे बेच दिए थे, ये उनकी रकम है। सरकारी फाइल में लिख दिया है 1000 बोरे तो चूहे खा गए और 1000 बोरे सड़ गए। जी सरकार, आपने ही मुझे दारू की दुकान का लाइसेंस दिया था ना? कुछ लोगों को दारू पिलाकर डायरेक्ट शमशान पहुंचा दिया क्या? VCR। बात यह है सरकार कि आजकल एक सब इंस्पेक्टर बहुत ही परेशान कर रहा है। उसको हड्डी नहीं डालता है क्या? उसे हफ्ता तो देता हूँ सरकार, मगर अच्छी नस्ल का होगा इसलिए उसे बोटी भी चाहिए। क्या नाम है उसका? सत्य प्रकाश वर्मा। हेलो। अरे सत्य प्रकाश। सर, आई मीन यस सर। तू गुलाब राव दारू वाले को क्यों परेशान कर रहा है? वो अपनी ही पार्टी का आदमी है, मेरी पदयात्रा में भी वो आखिर तक मेरे साथ में ही था। खबरदार जो उसके पास से 1 रुपया भी हफ्ता लिया तो। अरे ऊपर की कमाई करने के लिए तेरी इतने अच्छे इलाके में ट्रांसफर करवा दी है, और क्या चाहिए तुझे? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं तो क्या, मेरे थाने का कोई सिपाही भी वहां से नहीं गुजरेगा। ओके सर। बेवकूफ कहीं का। गुलाब राव, तुम्हारे दारू के अड्डे पे मक्खियां तो भिन बना सकती हैं, लेकिन पुलिस नहीं आएगी। देखिए सरकार, जिसका इंतजार था वो आ गया। जरा चाल तो देखिए, मस्त चीते की तरह चलता है। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? किसी मरते के मुंह में गंगा जल डालना है क्या? बताता हूं। टांग टांग, मेरी टांगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे तुम्हारी टांग नहीं, उसकी टांग। ए, तुम चरस पी के आए हो क्या? सरकार के सामने इस तरह बैठ गए, इनको इज्जत देनी चाहिए ना। करेक्ट। मैं इज्जत देने के लिए नहीं, अपना धंधा करके पैसा वसूल करने आता हूँ। क्यों नेगो? इसे नाम बिगाड़ने की बहुत बुरी आदत है। सरकार को तुम नेगो क्यों कहते हो? ने से नेता, गू से गू या गुंडा, तुम्हारा सरकार इन दोनों की मिलावट है, ठीक है ना नेगो? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहा है। तोप जब उगलेगी आग ही उगलेगी। करेगा क्या है? तिवारी, जिसके मुंह पर तुमने गोबर फेंका था वो हमारी ही पार्टी का आदमी है, लेकिन उसका ग्रुप अलग है। हम दोनों अपने अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वोटें बराबर की हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि तिवारी के 3 MLA उठा के ले आओ, ताकि कल जब मुख्यमंत्री की इलेक्शन हो तो उसकी 3 वोटें कम पड़ जाएं और मेरा आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। 3 MLA का 30,000 रुपया। मुंशी जी, ये तो बहुत ज्यादा है। तेरा बोझ भी धरती पर ज्यादा है। घबरा मत कुछ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने के लिए मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। ये कुछ क्या हुआ? कू से कुत्ता, चू से चूहा, ये ऐसा कुत्ता जिसका दिल चूहे का। करेक्ट। संभाल अपने चूहे को नेगू। अभी उसने काम भी पूरा नहीं किया, आपने उसे पूरे पैसे दे दिए।
ये वो गोली है जिसके बारूद में पैसों से आग लगती है। आग हमने लगा दी है, गोली खुद ब खुद निशाने पे लग जाएगी। तिवारी ने ये ठीक नहीं किया। हाँ। हम छह आदमियों के बीच में सिर्फ एक भेज दी। हाँ। अब ये बताओ कि हम इसे आपस में कैसे बांटेंगे? हाँ? अरे ठीक उसी तरह जैसे हम अपने देश के धन को आपस में बांट लेते हैं। तूने तीन कहा था ना, मैं आधा डजन उठा लाया हूं। जो तेरे मतलब का उसे छांट ले, बाकी जिसे जहां फेंकना फेंक दे। ये ले तेरी गाड़ी की चाबी। डिस्को डिस्को डिस्को। ये ले 30,000 रुपए। ये ले तो 500 रुपए रख ले। बाप रे बाप, इतने सारे रुपए, अब तो महीने भर ऐश ही ऐश। अबे नहीं यार, इसे तो मैं आज ही रात फूंक डालूंगा। करो ऐश करो ऐश करो ऐश करो, मैं करता हूँ तुम भी करो। पाप करो या पुण्य करो, पाप करो पुण्य करो कुछ भी करो, मगर कैश करो कैश करो कैश करो। ऐश करो ऐश करो, मैं करता हूँ तुम भी करो। कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो।
कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो कैश करो। संसार में दिखते हैं दिलबर बाजार में, दिलबर बाजार में, अरे मिलता है सब कुछ संसार में, अरे बिकते हैं दिलबर बाजार में, रखा है आखिर क्या प्यार में, रखा है आखिर क्या प्यार में, दिल थाम के ना आहे भरो, ऐश करो करो, मैं करता हूँ तुम भी करो, पाप करो या पुण्य करो, पाप करो पुण्य करो कुछ भी करो, मगर कैश करो कैश करो कैश करो, ऐश करो ऐश करो। Good night, sir. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you later. Thank you, sir. Chalo. Good night, sir. एक बार और मुर्गी की तरह झुक जाओ। एक और बार। Good night, sir. एक और बार। Good night, sir. एक और बार। गुड नाइट सर। चुके रहो चुके रहो, सवेरा हो चुका है, मुर्गी की तरह बांक मारो। सर अभी तो अंधेरा है सर। सवेरा हो चुका है। हाँ हाँ सवेरा हो चुका है। मुर्गी की तरह बांक मारो। कुकुरू कु जोर से कुकुरू कु। ये सब रख लो रख लो। थैंक यू थैंक यू। चीकू बोलता था ये माल महीने भर चलेगा, ये तो एक ही रात में खत्म हो गया चलता। ए, जी जो कर है खुशी से कुकुरु। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। बात है आज तो माँ बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं नहीं नहीं चलो केक काटते हैं। केक काटो बेटी। तुम्हें कामेश्वरी जी का इंतजार है। सॉरी 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 उमा बेटी, नेताजी का फोन आ गया था, उनसे डोनेशन की बात कर रही थी। चलो केक काटो। ये लो। नहीं नहीं बेटी, पहले ज्योति दीदी को खिलाओ। नहीं नहीं, दीदी से बड़ा दर्जा माँ का होता है। आपने इन लोगों को अनाथ आश्रम की इंचार्ज की हैसियत से नहीं बल्कि माँ बनकर पाला है, इसलिए पहला हक आपका है। आया ये देखो उमा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जीवन भर दीपक की तरह जगमगाती रहो। उमा बेटी
मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट। मेरा अरमान है तेरे गले में जल्दी ही मंगलसूत्र देखूं। अरे तुम रोने लगी? जिनके पास जबान नहीं होती वो अक्सर आंसुओं से बातें करने लगते हैं। एक बात पूछो। पूछो। तुम अनाथ बच्चों से इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हो? इसलिए कि मैं भी एक अनाथ हूं। मेरे पास कार, बंगला, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ है, मगर माँ बाप नहीं है। माँ नहीं है माना, लेकिन बाबूजी तो है ना? है, मगर वो बाप जैसे नहीं है। ज्योति, ज्योति, my child, come here, my daughter, तुम्हें तुम्हारी नई मम्मी से मिलाता हूँ। आपने फिर शादी कर ली? करनी पड़ी बेटी, तुम तो जानती हो आज तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर एक बेटी के लिए माँ से अच्छा और क्या तोहफा हो सकता है? समझ लो ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। अब तक आप मेरी माँ का पुनर्जन्म दो बार करा चुके हैं। मेरा क्या दोष? तुम्हारी माँ मर गई, इसके बाद की दो न जाने किसके साथ भाग गई, इसलिए चौथी शादी करनी पड़ी। अगर ये भी किसी के साथ भाग गई तो पांचवी शादी कर लूंगा। ये सब कहते आपको जरा भी संकोच नहीं होता? संकोच किस बात का? जब एक द्रौपदी पांच से शादी कर सकती है तो मैं पांच द्रौपदी से शादी क्यों नहीं कर सकता? आप इतना भी नहीं सोचते कि जिससे आप शादी करते हैं वो आपकी बेटी की उम्र की है? आखिर आप पैसे के बल पर कब तक दूसरों की जिंदगी से खेलते रहेंगे? तो क्या करूं, इन लड़कियों की माताओं के साथ शादी कर लूं? अगर ये भी मर गई या किसी के साथ भाग गई तो मैं इससे भी ज्यादा जवान लड़की के साथ शादी करूंगा, और तुम बीच में नहीं बोलोगी। अगर तुमको भी किसी बूढ़े के साथ शादी करनी है तो कर सकती हो, मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। डार्लिंग आओ तुम्हें बेडरूम दिखाऊं। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं, ये सब अनाथ जरूर है मगर आपस में एक दूसरे का सुख दुख तो बांट लेते हैं। मेरी किस्मत तो इनसे भी बुरी है, मैं अनाथ भी हूं और अकेली भी हूं। ऐसा मत कह, मैं हूं ना तेरे साथ, भले ही मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सकती मगर बांट तो सकती हूं। मां की बात, आज पहली बार मुझे तुमसे प्यार मिला है। आज से मैं तुम्हें आया नहीं सावित्री मां कहा करूंगी, सावित्री मां कहा करूंगी। अच्छा किया कामेश्वरी भाई जो गूंगी लड़की को उठा लाई। किसी से कुछ कहेगी इस बात का डर भी नहीं रहेगा। दे दे। हम तो जनता से कुछ मांगते ही रहते हैं।
ऐसी क्या बात हो गई जो उमा ने आत्महत्या कर ली? बेचारी गूंगी थी, इसलिए बोल भी नहीं सकी। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? कंप्लेंट लिखा थी तो इसका पोस्टमार्टम किया जाता। मैंने तो सोचा था इसके बदन को हल्दी लगाऊंगी, इसके हाथ पांव में मेहंदी रचाकर इसे दुल्हन बनाऊंगी, फिर इसी के बदन का पोस्टमार्टम करा के दुर्गत बना दो। नहीं नहीं, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। मैंने इन सबको बेटियों की तरह पाला है, इनके लिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की, ये मैं कैसे सह सकती हूँ? गांव में एक कहावत है कि बच्चे की लाश पर माँ से ज्यादा डायन रोती है। कामेश्वरी बाई कुछ ज्यादा ही रो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आंसू उमा के लिए नहीं बल्कि हमें धोखा देने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम रो भी नहीं पा रही। बताओ क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? उमा जिंदगी भर नहीं बोल पाई, इससे ज्यादा दुख उसकी आत्मा को इस बात का होगा कि उसके मरने के बाद भी कुछ लोग गूंगे रह गए। बस ज्योति बस, भले ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, अब मैं चुप नहीं रह सकती। कामेश्वरी सचमुच डायन है, नागल है। जब इस महिला अनाथ आश्रम की कोई लड़की जवान होती है, वो उसकी इज्जत का सौदा बड़े लोगों से जबरदस्ती कर डालती है। उमा इज्जतदार लड़की थी, बेइज्जत होकर जीना उसने पसंद नहीं किया, इसलिए जान दे दी। उमा की मौत मौत नहीं बगावत है जो उसके साथ खत्म नहीं होगी। अब और कोई उमा यहां बर्बाद नहीं होगी। हेलो पुलिस स्टेशन, आप इसी वक्त महिला अनाथ आश्रम आ जाइए। ये शोर किस बात का है? वो है ना एक राक्षस जो रात को भी कुछ ना कुछ हंगामा करता रहता है, तुम सो जाओ। चलो तो देखते हैं क्या बात है, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। चलो तो सावित्री माँ। अरे अरे भागो जल्दी जल्दी। अरे वो जो लड़की को मारा है। मत मारो मुझे। तुम औरतों का धंधा यही हो गया है, और कहती है मत मारो तो क्या तुम्हारी आरती उतारू? एक औरत को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। हाँ हाँ नहीं मारना चाहिए। आ गए 10 गज की पगड़ी पहनकर पंचायत करने। बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं औरत को पीट रहा हूँ। हाँ, सारे फसाद की जड़ है ये बच्चा, मैं इस बच्चे को खत्म कर देता हूँ। बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। सारा दोष तो मेरा है, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरे किसी के साथ नाजायज संबंध हो गए थे जिसके कारण ये बच्चा पेट में रह गया, और अब मेरी शादी होने वाली है, उस समय ये बच्चा मेरे लिए समस्या बन जाता। ये तुझे आज समझ में आया 9 महीने ऐसे पेट में पालने और जान देने के बाद कि ये तेरे लिए समस्या बन जाता? जिस वक्त अपने यार से मिलने गई थी उस वक्त क्या 1 मिनट इस बारे में सोचा? नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा बोल। रेडियो में टीवी में दिन में 50 बार कहा जाता है निरोध का प्रयोग करो, निरोध का प्रयोग करो, सुना नहीं था क्या? तो फिर किया क्यों नहीं? वो क्या बलून की तरह फूट मार कर उड़ाने के लिए? इसे यहां रख जाती तो ये मर जाता। नहीं, पाप नहीं मरता,
वो जिंदा रहता आजाद बनकर, फिर उसे दुनिया की नफरत इतने जख्म देती कि वो जख्मों का लिबास पहनकर चीखता चिल्लाता रहता। इसे छोड़ दो, अब तो इसने माफी भी मांग ली। बच्चा अगर वो छोड़ी जाती तो क्या बस्ती वाले मर गए थे? हम तो उसकी देखभाल करते। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। खामोश! मैं तुम लोगों की और दुनिया के दोगलेपन को अच्छी तरह जानता हूं। यहां लाश पर रोने वाले लोग जितने ज्यादा हैं, उतने ही कम लोग हैं जिंदगी पर तरस खाने वाले हैं। अरे कहां मर गए थे तुम लोग उस वक्त जब कोई मुझे कचरे के डब्बे में डालकर चला गया था? कहां गायब हो गई थी तुम लोग की दया और इंसानियत? बताओ किस घर के आगे मैंने आवाज नहीं लगाई? माजी माजी मुझे भूख लगी है, बाबूजी मुझे खाना दो, अरे पक्का चावल नहीं तो उसका पानी दे दो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वो भी नहीं दिया। गालियां देकर पत्थर मारकर दरवाजे से भगाते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में जब भूख से तड़प कर मैंने किसी अमीर जादे के कुत्ते का बिस्किट उठा लिया तो जानते मुझे बदले में क्या मिला? ये निशान। तुम लोग मुझे राक्षस कहते हो ना, ये राक्षस की जान ये निशान है, यही है वो निशान जहां से मेरे अंदर तूफान उठता है। भाग जाओ, भाग जाओ यहां से। अब तुम इस बच्चे को जहां फेंकना फेंक देना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अनाथ की आखिरी नस्ल बनना चाहता हूं। मुझे क्या पता, देखा नहीं
दुनिया की तरह मुंह में दूध तो टपकाया नहीं जाता, गरम पानी मार दिया। ये सब क्या है? कौन है जिसने ये सब किया है? अरे तुमने बोलता क्यों नहीं? ये घर के बाहर झाड़ू देने का 10 पैसा, पानी छिड़कने का 10 पैसा, रंगोली बनाने के 45 पैसे, लोकल टैक्स 5 पैसे, टोटल 70 पैसे, रोजगारी ठीक ठाक देना, उधार प्रेम की कैंची है, तुम्हारी ही सामने वाली खिड़की। खेत में भैंस भगाऊं? अबे वो सामने वाली खिड़की, क्या ये सब? क्या ये? ज्यादा रंगबाजी की तो घर बार तोड़ दूंगा, सिर्फ खिड़की रह जाएगी। झलक! ए, सुन लो तुम लोग,
अब इस बस्ती में कोई रंगोली नहीं बनाएगा, नहीं तो रंगोली की जगह पर ही खड़े खड़े जमीन में गाड़ डालूंगा। नागराज, तेरे पुजारियों में भक्ति की भावना बहुत कम होती जा रही है। दूध बहुत कम होते जा रहा है। तुम्हारा एक लेटर आया है। अरे मैंने तो मजाक में कहा था और तूने सचमुच लेटर डाल दिया। मर जाएगा रे, मर जाएगा इस दुनिया में राजा हरिश्चंद्र महात्मा। मैंने नहीं डाला, ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने भेजा है। अरे मेरा मालूम है रिश्तेदार कौन है। कचरा पेटी, अंधेरा, भूख, और उनको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ ही रहते हैं। ये लेटर मेरा नहीं है, चल फोट। ये लेटर तुम्हारा ही है। अबे क्या हरजाई औरत की तरह ताक जाक कर रहा है, ले फाड़ और उसे पढ़ दे। अगर ये मेरा लेटर। अबे ये क्या किया, ये क्या किया? अरे तुमने तो बोला था फाड़ने के लिए और तूने फाड़ दिया। फाड़ दिया तूने। एक रुपया वाली क्या है ये पटी हुई चिट्ठी पढ़कर सुना सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखा। इसमें लिखा है, कैसे हो तुम मेरे राजा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे प्यार पर गुस्सा आ रहा है, मगर मुझे तुम्हारे गुस्से पर प्यार आ रहा है। प्यार करना बड़ी हिम्मत की बात होती है, तुम में अगर हिम्मत है तो प्यार करो, तुम्हारी सामने वाली खिड़की। एही, अच्छा हो गया भाग गई, वरना चुटिया पकड़कर सुदर्शन चक्र की तरह घुमा देता तो गर्दन अलग हो जाती। और खबरदार अगर मुझ पर लाइन मारने की कोशिश की, अरे समझा देना उसको। किसका ये, अपना ही होगा। महाराजा धीराज महामहिम श्री दिग्विजय सिंह छावनी वाले पधार रहे हैं। उठा उठा उठा, हम बैल्कनी क्लास में बैठकर देखेंगे। मंत्री, मंत्री जी। जी महाराज, महामंत्री दिखाई नहीं देते। उनका फोन आया था कि आज वो दरबार में नहीं आ सकते क्योंकि उनको आज जुलाब लगे हुए हैं। जुलाब? अच्छा हुआ, वरना क्रिकेट की बातें करके हमें बोर करता। तो प्रजाजनों बताओ, इस बार बारिश ठीक से हुई या नहीं? अबे ओ, राजा होकर तुझे इतना नहीं मालूम, जब पानी बरस रहा था तू क्या घंटा बजा रहा था? मंत्री जी। जी महाराज, ये बताइए कि हमारे देश में किसी चीज की कमी तो नहीं? दारू की बहुत कमी है, दारू की बाप, तुम इसके लिए मामला फिट करोगे क्या? अरे मुझे भी नहीं मिलती यार। महाराज, एक सुंदर कन्या फरियाद लेके आई है। सुंदर कन्या, उसे फौरन हाजिर करो। फरियादी हाजिर हो। अरे ये तो अपनी खुजली है। बैठिए बैठिए। ए खुजली, ए खुजली, अरे तेरा वो धंधा नहीं चल रहा है क्या जो तूने अभी एक्टिंग शुरू कर दी है? शर्माती है कन्या, शांति खतरे में है, जल्दी से बताओ तुम्हारे डायलॉग समस्या क्या है। महाराज जी, ये ना मेरा पड़ोसी है, मुझ पर लाइन मारता है। अरे ये खटमल नहीं मार सकता, लाइन क्यों मारेगा? <आड़ो, आड़ो। laughs> चल खटमल पतली गली से निकल। अरे खुजली, तू समझ ले मैं ही तेरा पड़ोसी हूँ, अब बोल तुझे क्या बोलना। कन्या, मैंने कहा था ना शांति खतरे में है, जल्दी से अपनी फरियाद सुना, लेकिन गाकर सुना। अबे ओ, तू क्या रेडियो स्टेशन में पैदा हुआ था? चला Thank you.
कोई नहीं रात को। ऐसे चिमटती है वो बिस्तर पे ऐसे सिमटती है वो, दर्पण से ऐसे चिमटती है वो बिस्तर पे ऐसे सिमटती है वो, तकिए से ऐसे लिपटती है वो, लिपटती है वो, लिपटती है वो। दृश्य देख रहा हूँ भांजे। कैसा दृश्य? किसी शहर के किसी मोहल्ले में ऐसी ही एक चाय की दुकान, सामने बेंच रखी हुई है, कुर्सियाँ, हाँ कुर्सियाँ, और उन कुर्सियों पे दो आदमी बैठकर बेकार की बातें कर रहे हैं, जैसे हम दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे।
बस ऐसा ही दृश्य हर शहर में है, हर मोहल्ले में। बिल्कुल, ऐसे में देश का क्या होगा? वही हाल होगा जो पिछले साल वेस्ट इंडीज में भारत की क्रिकेट टीम का हुआ था। चुप, तुझे क्रिकेट की पड़ी है और मैं भारत की चिंता में डूबा जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत 100 साल तक सुखी रहे, खुश रहे। मामा, मुझे तुम्हारी स्पिन बॉलिंग समझ में नहीं आती। तुम किस भारत की बात कर रहे हो, मनोज कुमार की? अरे नहीं, मैं अपने बेटे भारत की बात कर रहा हूँ। चंदा दीजिए। किस बात का चंदा? कल रात मैंने एक दृश्य देखा। होटल के आगे 2 कुर्सियां, उन कुर्सियों पर बैठे 2 आदमी बेकार की बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा है कि हम भारत के कल्याण के लिए एक नई पार्टी बनाएंगे। इसके लिए चंदा दीजिए हमें। तो आपको चंदा चाहिए जी? तो एक काम कीजिए, वो आदमी आपको दिख रहा है ना लेटा हुआ, वही, उसके पास जाइए और उसे 3 बार सिर्फ इतना कहिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना सुनकर वो तुम्हें इतना कुछ दे देगा कि इलेक्शन में तुम्हें बम, दारू या गोलियां खरीदने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सच? अगर वो इतना चंदा दे सकता है तो 3 बार क्या, मैं 300 बार बोल दूंगा मैं तुम्हारा बाप हूँ। वाह वाह, फिर तो तुम्हारा भला हो ही गया समझो। जाओ। अच्छा। जाओ। क्या वो सचमुच इसे इतने पैसे दे देगा? अरे बेवकूफ, वो अपने माँ बाप से इतनी नफरत करता है कि कोई उसे जाके सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो वो उस पे अपना जिंदगी भर का गुस्सा निकाल देगा। अरे डिस्को, आज मेरे हाथ में खुजली बहुत हो रही है। तब तो इसका मतलब ये हुआ उस्ताद कि कड़की दूर और आज कहीं से पैसा आने वाला है। बेटा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ बेटा। तू सचमुच मेरा बाप है? हाँ बेटा, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया उसका पति मैं हूँ। तू मेरा राजा बेटा है। तू सचमुच मेरा बाप है? एक बार फिर हाँ बोल। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम भी रोने लगोगे। अरे ये बाप बेटे के मिलन का समय है, ऐसी शुभ घड़ी में भला मैं क्यों रोने लगा, क्यों है ना बेटा? एक बार तू भी मुझे प्यार से पुकार। सुअर कमीने। अरे क्यों नहीं मारूं? आज तू बाप बनकर आया है। कहा था उस वक्त जब पांव पांव चलने के लिए मैं बाप की उंगलियों का सहारा ढूंढा करता था? कहा था उस वक्त जब कड़कती हुई बिजली के डर से मैं बाप की छाती ढूंढा करता था? अगर तू मेरा बाप होता तो मुझे सड़ने के लिए कचरे के डब्बे में नहीं फेंकाता। आज अगर मैं जानवर बना हूं तो तेरी वजह से। तू बाप नहीं, वो नाग है जिसका थूका हुआ जहर हूं मैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। फिर बोला क्यों? ये बोलूंगा तो तुम ज्यादा चिंता दोगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हे मुर्दे, आज हर घर में उजाला है लेकिन जहां देखो अंधेरा, समझ लो वही अपना घर है। अरे उस्ताद, आज तो तुम्हारे घर में भी उजाला है। ₹40 दीपक, ₹8 तेल ₹15, बाती ₹1.60, पहले का उधार ₹95, टोटल ₹25.55। दिवाली के लिए विशेष छूट ₹55, इसलिए ₹25 देना होगा। उधार पे इनकी कैंची है, तुम्हारी सामने वाली खिड़की। दुनिया की मस्ती तेरे पे चढ़ गई है क्या?
ये खिड़की से देखना, ये लेटर देखना, ये सब क्या है? तूने सोचा होगा कि मैं दो चार पोंछ मारूंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। यह सब पैंतरे मेरे साथ नहीं, किसी और पर आजमाना। अगर मुझे किसी लड़की की जरूरत होगी ना तो 50 रुपए बहुत मिलती है। ये तो घूर क्या रही है? मुझे ना तेरा लव चाहिए, ना लेटर चाहिए, ना ये बिल चाहिए। इसे समझा दे मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाए, नहीं तो सबके सामने लिंबू की तरह निचोड़ डालूंगा। औरत की जात ही ऐसी होती है, जवान मर्द को देखते ही उसे फांसने की कोशिश करने लगती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ मत रहो, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है उस शराबी कमीने के मुंह लगने की, और तो और तुम उसे लेटर भी लिखती रही। बात यह है कि जो मैं कहानी लिख रही हूँ उसका हीरो यही है जिसे ये नहीं पता कि प्यार क्या होता है। ऐसे आदमी से जब कोई लड़की प्यार जताए तो उसका क्या असर होगा, यही जानने के लिए मैंने प्यार की एक्टिंग की। नहीं, सिर्फ यही नहीं है, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पानी का टैंकर आ गया, मैं जा रही हूँ पानी लाने। ये काम बाद में भी हो सकता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सावित्री माँ, जितनी बात थी बोल चुकी हूँ मैं। ज्योति, 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 सावित्री होगा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूँ, पहले ये बताओ ज्योति यहाँ क्या कर रही है? कुछ दिनों से मेरे पास आकर रहने लगी है, और सामने जो गुंडा रहता है उसके पीछे पड़ी है। पूछती हूँ तो टाल जाती है, लेकिन इसमें जरूर कोई राज है जो वो बताना नहीं चाहती। जिस राज को वो राज रखना चाहती है वो राज मैं बतलाता हूँ। ये बारात ज्योति के लिए जा रही है, ये वही ज्योति है जिसने आपको जेल भिजवाया था। आज उसकी शादी है, वो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ। उठो भाई उठो, जल्दी से उठो भैया। भाई भैया, तू क्या राखी बांधने आया? तुमसे बहुत जरूरी काम है, और ये काम अगर तुमने आज की रात कर दिया तो तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे? मैं कोई जनता जनार्दन नहीं जो नेताओं से मिलेंगे सुनकर खुश हो जाऊंगा। पहले माल रख, फिर काम बता। लीजिए दोनों एक साथ। इस लड़की की कल तो भी शादी होने वाली है, और शादी से पहले इसकी सुहागरात हो जानी चाहिए। अरे पहली धार के, तूने तो ऐसी बात कर दी कि 5 बोतल का नशा फक से चढ़ गया। वरना लोग पैसे देकर अक्सर यही कहते हैं, उस्ताद इसका पैर काट दो, उसका हाथ काट दो। तू ये ऐसा मिला जिसने काम शास्त्र वाला काम दिया। भैया तुम्हारे पैर किधर है? ये है। क्यों? मैं उसे छूकर प्रणाम करूंगा। बाद में क्या करोगे? अरे वही जो हर महान और देवता समान आदमी के साथ किया जाता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है ताकि उस पे कौवे और कबूतर बैठे और पिच पिच करें। पिच पिच? अरे मेरे ब्रदर कौवे, अभी से पिच पिच क्यों शुरू कर दी? अभी तो बेचारा जिंदा है। अरे बाहर चलो, बारात आ गई, चलो 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 चलो। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम बहू बनाकर नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। कौन है तुम? Ha ha ha!
दिया है तुमने मुझे, बर्बाद कर दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मुझे 5,000 रुपए दिए गए थे ताकि तुम्हारी इज्जत लूट लूं, तो लूट ली। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। किसने दिए थे वो पैसे? बहुत चालाक बनती हो तुम। चाहती हो जिसने मुझे काम दिया मैं उसका नाम उगल दूं? दुल्हन, मैं हराम ज्यादा हूं, नमक हराम नहीं। मुझे पैसे दो और कोई भी काम करवा लो, ये मेरा कैरेक्टर है। कोई तुम्हें पैसे देकर ये कहे कि अपनी बहन की इज्जत लूट लो तो? ऐसे फिल्मी डायलॉग का असर फैमिली वालों पर होता, मुझ पर नहीं। मेरे साथ जन्म लेने वाला कोई नहीं। तुम्हारी माँ तो होगी, आखिर वो भी तो एक औरत है। जिसने अपनी औलाद को बदन का मैल समझकर अपने से अलग कर दिया हो, वो न औरत है न माँ। अगर वो मुझे मिल जाए ना, तो जितनी बार मैंने माँ की गालियां सुनी है, मैं उसके बदन के उतने ही टुकड़े कर दूंगा। अब बोलो, और क्या बोलोगी? अब तो तुम्हारा माँ वाला डायलॉग भी खत्म हो गया। सुनिए सुनिए, दुल्हन के कमरे में कोई गुंडा घुसा है, अंदर चीख पुकार मचाई है। शायद बाराती आ रहे हैं। वो अगर तुमसे पूछेंगे क्या हुआ तो कह देना कि उठक पटक में सिर्फ कपड़े की स्त्री खराब हो गई, अगर तुम्हारी इज्जत बच गई बाद में शादी कर लेना। वैसे भी कुछ लड़कियां बार बार इज्जत लुटा कर भी खुआरी रहती हैं। क्या तुम उस आदमी को पहले से जानती थी? जाओ जल्दी से नहाकर दूसरे कपड़े पहनाओ, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। यह शादी हरगिज नहीं होगी। मैं इस कलम के को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगा। डैडी, जो कुछ भी हो उसमें इसका क्या दोष है जो आप इसे कलंकनी कह रहे? बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगा मेरा कोई बेटा ही नहीं था। डैडी, आपका बेटा होने से ज्यादा एक इंसान और एक अच्छा डॉक्टर होना मैं पसंद करूंगा। अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे छोड़कर भागा नहीं जाता, उसका इलाज किया जाता है। तुम जल्दी से तैयार होकर शादी के मंडप पे आ जाओ। कहते हैं पत्नी के लिए पति परमेश्वर होते हैं, मेरे लिए तो लगता है परमेश्वर ही पति बनने आ गए। मगर मसले हुए फूल परमेश्वर के चरणों पर अर्पण नहीं किए जाते। मुझे जो कलंक लगा है उसे मंडप की पवित्र अग्नि भी नहीं जला सकती। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ज्योति, तुम बहुत ही गलत फैसला कर रही हो। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ ऐसे बीमार भी होते हैं जिन्हें डॉक्टर भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, मुझे भी उन्हीं के आश्रय छोड़ दीजिए। नीच पापी, तूने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुझे उसकी बहुत भयानक सजा देगा। सजा तो मुझे मिल चुकी है सावित्री, मेरी एक छोटी सी भूल पर कामेश्वर ने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। उसी दिन से मैंने फैसला किया कि रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। इसलिए मैंने पानी के टैंकर पर ड्राइवर की नौकरी कर ली। तुम्हारे प्रायश्चित कर लेने से ज्योति को उसकी इज्जत तो वापस नहीं मिल जाएगी। मैं रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ज्योति की जिंदगी को खुशियों से भर दे, और ये प्रार्थना जीवन भर करता रहूंगा और कर भी कह सकता हूँ। घड़ा बदल देने से पानी तो नहीं बदल जाता, क्या मतलब? यही कि मनगढ़ंत कहानी सुनाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। ये क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। जिसके खंडर जैसे घर में तुम दिए जलाती हो
दरअसल उसी ने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बोलो ये सच है या नहीं? सच है। और ये भी सच है, उसने तुम्हें तो तबाह कर दिया था, मगर तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर दुल्हा तुमसे शादी करने को तैयार था तो तुमने ना क्यों बोल दिया? इसलिए कि मैं एक दाग के साथ जीना नहीं चाहती थी, मैं उसे मिटा देना चाहती हूँ। औरत की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुल सकता। धुल सकता है सावित्री माँ, धुल सकता है, अगर दाग लगाने वाला खुद सिंदूर लगा दे। तो क्या जिसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया तुम उसी के साथ? हाँ, शादी करना चाहती हूँ। उस दुष्ट और राक्षस के साथ शादी? तुम जोश में आकर कोई फैसला मत करो। जोश में आकर फैसला करना होता सावित्री माँ तो अब तक कर चुकी होती। बारात वापस लौटते ही या तो मैंने आत्महत्या कर ली होती या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता। लेकिन इन चीजों से मेरी इज्जत तो वापस नहीं लौटती ना, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। ये भी सोचा है कि इससे तुम्हारे खानदान को कितना धक्का पहुंचेगा? खानदान के नाम पर मैं सिर्फ अपने बाप को जानती हूँ, और बाप के नाम पर ऐसे अय्याश आदमी को जानती हूँ जिसे अगर अपनी बेटी भी घूंघट में मिल जाए तो वो बिना उसका चेहरा देखे उसे शादी का न्योता दे डालेगा। ऐसे बाप के साथ रहने से तो अच्छा है इस दुष्ट जानवर के साथ जिंदगी गुजारूं जो अंदर और बाहर से एक जैसा तो है। क्या ये जरूरी है कि वो तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। फिर क्यों इस आस के सहारे जिंदगी की बची हुई खुशियों को भी खत्म कर देना चाहती हो? सावित्री माँ, तुम्हारा पति शादी के एक दिन बाद ही तुम्हारे सारे गहने चुरा कर भाग गया, आज तक नहीं लौटा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, फिर भी तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, तुम सिंदूर लगाती हो इसी आस पर ना एक दिन वो जरूर बदल जाएगा, वापस लौट आएगा तुम्हारे पास। इसी आस पर मैं भी उसका इंतजार करूंगी। सावित्री माँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए ये सब नहीं कहा। मुझे ये सब इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि तुम एक औरत होकर भी एक औरत की भावनाओं को नहीं समझ पा रही थी। ज्योति, आज तुमने दूसरी बार मेरी आत्मा को झंझोड़ा है, अब तीसरा मौका नहीं दूंगी। यादा मत हंसो उस्ताद, वरना भू डिस्को। क्या ये मेरा ही घर है जहाँ इतने आदर से खाना परोसा गया? इस ही ने तो नाक में दम कर दिया है, इतने अच्छे खाने के साथ ये भेजना जरूरी था? अब क्या करूं, खाना तो बहुत अच्छा है। उस्ताद, पहले इसमें देखो तो सही कि क्या लिखा है। और क्या लिखा होगा, गोभी की भाजी 2 रुपया, बैंगन का भरता 5 रुपया, दाल 2 रुपया, दही बड़े और पूरी का टोटल भी पिछले टोटल से मिलवा देना, और आखिर में लिखा होगा कि उधार प्रेम की कैंची है। अरे उस्ताद, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़ के बता। मेरी जान कैसे हो, क्या बोला बे? अरे इसमें लिखा है उस्ताद, इसमें लिखा है, चल आगे पढ़। सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है, इसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है? हाँ। अबे तू असली बात धीरे से क्यों बोलता है, जा डिस्को बेटा, तू कहीं और जाकर मुंह मार। उस्ताद, कौवा होता है ना कौवा, जब एक कौवे को खाना मिल जाता है तो वो सारे कौओं को काव काव करके बुला लेता है और सबके बाद वो खाना खाता है। उस्ताद, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कौओं के बारे में कह रहा था। डिस्को, जब गधा खाना खा रहा हो और उस वक्त उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाए तो जानते हो गधा क्या करता है? क्या? जरा घूम जा, वो धर से उसके पिछवाड़े पे लात मारता है। ज्योति कौन है? ज्योति? हाँ मैं हूँ, मैं। तुम्हारा लेटर आया। मेरा लेटर? अरे मुझे कौन लेटर लिखेगा, नहीं मेरा नहीं हो सकता। लगता है सामने वाले दड़ियल का असर तुम पर भी होने लगा है।
तुम भी तो दड़ियल हो। हैं? मुंडवा लूंगा, आज ही मुंडवा लूंगा। बड़ी बेशर्म हो गई है तुम लोग। जवान मर्द को शांति से नहाने भी नहीं देती, बस घूरती रहती हो। ए तुम उधर देखो। ओ चिकू, तुम हमेशा फटी हुई पैंट में घूमते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक हाफ पैंट और शर्ट लाई हूँ। देखो, अक्सर लोग अपना मामला फिट करने के लिए बच्चों को पटाते हैं। तुमने भी मुझे पटाने का बहुत अच्छा तरीका चुना है। समझ लो मैं पट गया। अब उस्ताद को कोई लेटर देना है क्या? नहीं, आज मैं तुम्हें लेटर देने नहीं, ये खुशखबरी देने आई हूँ कि आज उस दरियल ने मुझे लेटर भेजा है। कितना बदल गया है वो। इस खुशी को मैं किसके साथ बांटती? तो मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस ले आई। खुश हो ना? नमस्ते चीकू साहब। अरे चीकू। नमस्ते चीकू साहब। अरे अचानक तुम हंसने क्यों लगे? ये सोचकर कि इस हाफ टिकट में उस्ताद की तरफ से एक लेटर डाला तो हाफ पैंट मिल गई, अगर दो लेटर डाले होते तो जरूर फुल पैंट मिल जाती। वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। तुमने भी मेरे साथ मजाक किया, निकाल ली अपने मन की भड़ास। बड़ा मजा आया होगा तुम्हें। हंस लो और हंस लो। तू लाश के पास खड़ा होकर ताशा बजाता है ना, आज समझ ले मैं भी एक लाश हूँ और ये मैंने लाश के पास खड़े होकर ताशा बजाने की कीमत दी है। ले बजा ताशा, बजा। दीदी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो। अब से जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। उस्ताद, उस्ताद। अभी शाम हुई नहीं है, कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? उस्ताद सभी अपना राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तुम भी उनके पास अपना नाम लिखवाकर एक राशन कार्ड बनवा लो। अगर वोटर लिस्ट में लिखवाएंगे तो एक वोट का 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मिल सकता है, इसमें लिखवा कर क्या फायदा? राशन कार्ड को लेकर क्या छटेंगे? अरे उस्ताद तुम्हें नहीं मालूम, अपना राशन कार्ड अगर किसी को दे दे तो हफ्ते का 10 रुपया किराया मिल जाता है। तू सच बोल रहा? हाँ उस्ताद। तब तो मैं तो ले लूंगा। अबे ओ, ऊंट की तरह गर्दन उठाए कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हाँ जी कहिए। नाक में क्या नकेल डालकर खींचना पड़ेगा तब आओगे? यहाँ आओ। हमें एक राशन कार्ड बनवाना है, पता इस घर का होगा? इस घर का राशन कार्ड तो बन चुका है। देखा, दादागिरी करने का यही फायदा होता है, अर्जी देने से पहले काम पूरा हो जाता है। लाओ कार्ड दो। आपका कार्ड तो दे भी दिया। किसको? आपकी धर्म पत्नी को। इनकी धर्म पत्नी को? हाँ, उन्होंने अपना नाम ज्योति बताया। हाँ फिर तो ठीक है, तुम जा सकते हो। ये ज्योति कौन है? वही तुम्हारी ही सामने वाली खिड़की। बहुत दिनों से देख रहा हूं तो मुझसे पंगे लेते जा रही है,
और सबको ये कह रही कि मैं तेरा पति हूँ। बदन में जान तो है नहीं और दीवार को धक्का देने चली है, चूर चूर हो जाएगी। और मैं बोलती हूँ तू चूर चूर हो जाएगा। लगता पहले जो मैंने तेरे साथ एक बार किया उससे तेरा जी नहीं भरा। तू चाहती है वो सीन एक बार फिर दोहराऊं? कौन सा सीन? अरे छुपा कर क्यों कहते हो? तुम्हें किसका डर है? बस दीवारों के सामने सब कुछ साफ साफ कह दो। अरे और तू ये सब बातें छुपाना चाहती है? ये क्यों चाहती कि मैं सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह दूं? अरे उस्ताद ये मॉडर्न जमाना है, लेकिन तुम डरो नहीं, हिम्मत से काम लो। हाँ, अरे अरे मुझे किसी के बाप का डर थोड़ी है। बस्ती वालों सुनो, जब ये शादी के मंडप में जाने के लिए दुल्हन बनी थी तभी मैंने इसका रेप कर डाला था। अब तुम ही बताओ, तुम्हें पति न कहूं तो और क्या कहूं? अरे इसने तो मेन पॉइंट पकड़ लिया। हाँ हाँ तुम्हें तो छूट है, तुम जितना चाहो लोगों को मारो पीटो, और अगर कोई पूछे कि क्यों मार रहे हो तो फौरन गाली देना शुरू कर दो कि तुम्हें अनाथ बना दिया गया, तुम पर जुल्म ढाया गया, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। आज मैं तुमसे इंसाफ मांगती हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे उस बच्चे के लिए जो मेरे पेट में पल रहा है। ज्योति, अगर तुमने मुझे अपनी पत्नी नहीं माना तो बताओ, जन्म के बाद जब ये मुझसे अपने बाप का नाम पूछेगा तो किसका नाम बताऊं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तरह इसको भी पैदा होते ही मैं किसी गटर में फेंक दूं और ये अनाथ बन जाए? ये अनाथ बन जाए? ये अनाथ बन जाए? देखो बेटी, हम भले ही दाल भात खाते हैं मगर इज्जत से जीते हैं। तुम अपना एक कलंक लेकर यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करो सावित्री माँ, मैं अपने घर से तो निकाल ही दी गई, अगर तुमने यहाँ से भी निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सामने वाले घर में जाओ, जिसने तुम्हें बर्बाद किया वो तुम्हें शरण देगा, और अगर नहीं देगा तो मैं क्या करूँ? समझ लो तुम्हारे लिए अब मेरे घर का दरवाजा बंद हो गया। क्या आप लोग चुपचाप इसी तरह खड़े रहेंगे? आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाए। तुम्हें मुझे मारना है तो मार लेना, मगर मैं पूछूंगा जरूर कि उस दिन मंदिर में एक औरत अपनी बच्ची को छोड़ के चली जा रही थी, तुमने उसे पकड़ कर मारा, गालियां दी, लेकिन आज क्यों चुप हो? आज भी तक तो बच्चे के भविष्य का सवाल है। तुम उसके साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। उस्ताद पहले तुम्हारे सामने कोई खाने की हिम्मत नहीं करता था, अब देखो मुझसे छोटी उम्र के लोग भी तुम्हें वाचन सुनाने लगे सिर्फ इसलिए कि वो लड़की अभी तक बाहर खड़ी है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर आ जाए तो ये लोग भी अपने खोली में घुस जाएंगे। इन लोगों के डर से मैं क्या उसको अपने घर ले आऊं? अबे पांव पटकने से सांप बिल में नहीं घुसा था। अरे उस्ताद मामला गंभीर है, इस बार मेरी बात मान लो और उसे घर बुलाओ। अरे घर में लेकर आकर मैं उसका करूंगा क्या? ये बाद में सोच लेंगे, पहले उसे ये तो कहो सही कि वो घर के अंदर आए। ये मुझे अपने घर क्यों रखने लगा? खिलाना जो पड़ेगा। इससे थप्पड़ और मुक्का खाना है तो खा लो, मगर एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता ये। ये सब सुनकर पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरूं। उसे खाना ही चाहिए ना? हाँ। तो एक बार नहीं तीन तीन बार खिलाऊंगा, और ऐसे कसकर खिलाऊंगा कि बाप बाप बोलते हुए भाग जाएगी। बाद की बात बाद में, अब तुम्हारी तरफ से मैं उसे बुला लूं? अरे बुला ले मेरे बाप, जाना। हाल साइलेंस। अभी ये मछली के चुप हो जाओ, ये मछली बाजार नहीं है। तो सुनो, मैं और उस्ताद बहुत गर्मा गर्म बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाभी ची कि वो लड़की बोरिया बिस्तर समेत इस टूटे फूटे घर में आएगी। वे ताली बजा ली ना, तो खड़े क्यों? चलो भागो, हवा छोड़ो, चलो भागो यहाँ से। कहाँ चले उस्ताद? दारू पीने। तू उसको घर में रख, मैं लौट कर आता हूँ, फिर उसके जितने बिल हैं सबको एक साथ इस तरह चुकता करूंगा कि मरी भी माँ याद आ जाएगी।
चलता है क्या? हनुमान चौक जाएगा क्या? हाँ जाएगा सर। तो फिर जाना क्यों थकी हुई तायब की तरह सर झुकाए बैठा? जा, तू जरूर एक दिन गाड़ी के नीचे आके मरेगा। ठंड से 400 व्यक्ति मरे। चलो, इस देश की कुछ आबादी तो कम हुई। और एक खबर सुनिए सरकार, राज्य में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार से 5 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इसका 10% तो हमें मिल ही जाएगा। हुजूर हुजूर, हमारे आदमी का खून हो गया है। मुंशी, हमें पूरी खबर मिल चुकी है। उसे देखने के लिए हमें अस्पताल जाना चाहिए। हरगिज नहीं हुजूर, उसे हमारे दुश्मन अभिनंदन तिवारी ने मारा है। मुंशी, तुम कभी नहीं समझोगे। अरे अगर हमारा आदमी मर गया तो हम तिवारी पर मर्डर का केस करके उसे बेमौत मार देंगे। करेक्ट। और अगर वो बच गया तो वो खुद अभिनंदन तिवारी को मार देगा। ये भी करेक्ट। इस तरह से हमारे दोनों हाथों में लड्डू। लड्डू नहीं, तिवारी की मौत। करेक्ट। डॉक्टर साहब, ये लीजिए इंजेक्शन। ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? तेजी से भागते हुए कहीं कुछ लग गया होगा। मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। पिछले 3 दिनों के अंदर ज्योति तुम्हारी एक एक चीज के लिए लगातार दौड़ धूप करती रही। रातों को जाग जाग के तुम्हारे लिए रोती रही है। दरअसल तुम्हारी जिंदगी उसी की प्रार्थना और सेवा का फल है। तुमने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो तुम्हें इतनी सेवा करने वाली मिल गई। ये देखो, जो एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। कभी तुम्हारी तरह किसी मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, लेकिन आज इसके पास प्यार से दो बातें करने वाला कोई नहीं। अकेला इंसान जिंदगी से तो लड़ सकता है, मगर मौत से नहीं। मैं चाहूंगा यह हाल तुम्हारा ना हो। मुझे ये उम्मीद नहीं कि तुम फौरन बदल कर एक महात्मा बन जाओगे, मगर इतनी आशा जरूर करता हूं कि तुम अब कम से कम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे। देश में अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल इस मोहल्ले के बाहर, मगर यहाँ तो रोशनी है। अरे यार, यहाँ मैं बैठा हूँ। अबे लॉन्ग लेग, शॉर्ट लेग, स्क्वायर लेग, सिली, चुप। यहाँ कोई वर्ल्ड कप हो रहा है क्या? अरे देखते नहीं भाई साहब, बहुत दिनों बाद वापस आए हैं। शोर और कम मचाओ यार जरा।
बिरयानी खाओ उस्ताद, एकदम फर्स्ट क्लास है। लगता है कोई याद कर रहा होगा, है ना? हाँ। पानी नहीं है। सुबह तो घड़ा भरा हुआ था। वो सब मैंने पी लिया। तू क्या अकाल के जमाने में पैदा हुई थी? और तू क्या जब अकल बट रही थी तो वहां से भी झगड़ा करके भाग आया था? अरे इतना भी नहीं सोचा कि घर में खाने को है क्या? सुबह से शाम तक पानी नहीं पीती तो और क्या करती? मेरे खाने की फिक्र नहीं, पानी की चिंता पड़ गई। अपनी सावित्री के घर जाकर खाना खा लेती ना। हम तुम मर्दों की तरह नहीं है जो कहीं भी जाकर मुंह मार लो। ये मुझसे नहीं होगा कि तुम्हारे घर में रहकर किसी दूसरे के घर में खाना मांगने जाऊं ताकि हमारे घर का भांडा फूट जाए। अरे तुम्हें शर्म नहीं है तो ना सही, मुझे तो है। मुझे अस्पताल ले जाकर जो मेरी जान बचा उसके लिए थैंक यू, बस बैटर वहीं खत्म हो जाता है। अब आगे खाना दो, ये दो, वो दो, ये अपने से नहीं होने वाला। और क्या मैंने तुमको बोला था कि मेरे घर में खाट पर आकर फसल जाओ? ठीक है, मैं खुद आई थी, मैं मानती हूँ। अब मैं तुमसे किसी चीज के लिए नहीं कहूंगी, तुम अपने मन से लाओगे तो खाऊंगी वरना भूखी रह जाऊंगी। और याद रखो, अगर तुम बाहर से अकेले खा कर आ गए तो तुम्हारे पेट में जरूर दर्द होगा। एक बिरयानी पार्सल करना। जी उस्ताद। पार्सल? हाँ मामा, देखो आज ये पार्सल ले जा रहा है और कल पता नहीं कहीं क्यों। बांजे, भेड़िये के मुंह से खून की जगह दूध टपकता हुआ पहली बार देख रहा हूं मैं। ये तुम्हारी बिरयानी से ही अपनी भूख हड़ताल तोड़ूंगी। अरे हाँ, जब से तुम्हारे घर में आई हूँ तुमसे पूछना चाहती थी कि गोडसे के घर में गांधी जी की फोटो कैसे? वो क्या है कि एक दिन कुछ लोग ये फोटो लेकर इस बस्ती में आए, उस पर मालाएं चढ़ी, भाषण हुए और फिर तालियां बजी, मिठाइयां बटी, मीटिंग खत्म हुई और लोग हंसते हंसते अपने घर चले गए। बस ये फोटो अकेला बेचारा अनाथ की तरह पड़ा रह गया। तो मैंने किसी से पूछा फोटो किसका है, तो मालूम हुआ कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैंने सोचा मैं भी अनाथ, ये तस्वीर भी अनाथ, तो इसे मैं अपने घर ले आया है। मेरे पिता तो है नहीं, राष्ट्रपिता ही सही। भांजे, इस बार तो मैं उससे भी बड़ा ड्रामा करने वाला हूँ, देखते रहना। अरे बोलो तो सही, कौन सा ड्रामा करने वाले हो मामा? देखता जा, देखता जा। कैसा ड्रामा करने वाला हूँ मैं? क्या ड्रामा करने वाला? अरे वाह मामा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। पापा क्या कर रहे हो, तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? अरे मामा इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है मेरी आंखों के सामने, वो भी बगैर टिकट का। मामा देखने दो, ड्रामा देखने दो मामा। हमारी मौत? क्या बकते हो मामा, वो तो जिंदगी है। मैं नहीं, मैं तो बुजुर्ग हूँ, ये बड़ा हो चुका है। मैं तो बच्चा हूँ, ये देखो ना, हाफ फिट में हूँ, ये बुजुर्ग है, लूंगी मैं। मामा फट्टू क्या? दारू पिला पिला कर बोलो,
किसने खराब किया? ए, खराब करने की बात मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मर्द एक बार दारू पीकर गंदगी में गिरता है तो नहा धोकर चिकना हो जाता है, और औरत एक बार गंदगी में गिर जाए तो सारी जिंदगी गंदगी का ढेर बनकर रह जाती है। तुम इतना घबराती क्यों हो? हमारे यहाँ गंदगी में मुंह मारने वाले सुअर की कोई कमी नहीं है। शट अप। कामेश्वरी, तूने बहुत पी ली है, जा जाकर बेडरूम में सो जा। मैंने भी बहुत पी ली है सरकार, मैं भी बेडरूम में जाके डायरेक्ट सो जाता हूँ। जब तक ज्योति से बदला नहीं लूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे उससे तो बदला तुमने ले लिया है, चलो। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, उसे तिल तिल जलाकर मार दूंगी तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। जयकाल, ए जयकाल, ए जयकाल नहीं, सरकार बोलो। सरकार। अरे सरकार होगा तेरा, मेरा तो यार भी है और दामाद भी, मैं तो इसकी थी ही। इसके अलावा जब अनाथाश्रम मेरे कब्जे में आया तो मैंने इसको क्या क्या ऐश नहीं कराए। जगाल, बोल, तूने जितनी मुर्गियां नहीं खाई होंगी उससे ज्यादा मैंने तुझे लड़कियां दिखाई है या नहीं, वो भी उन सब की माँ बनकर। दिल पर हाथ रखकर बोल दे कि ये झूठ है। गजब हो गया। ज्योति अब कहाँ है? मैंने जिसको उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए भेजा था वो उसी के साथ पत्नी बनकर रह रही है। वो भले ही अपने आप को उसकी बीवी समझती हो लेकिन वो तो उसे रखेल ही समझता होगा। वो हमारा आदमी है। तुम ज्योति को और भी बर्बाद होते देखना चाहती हो ना? ठीक है, वैसा ही होगा। जाओ, अब जाके सो जाओ। जयकर, तुझे मेरे घर आए बहुत दिन हो गए, आज चल ना। शेर को भूख लगे तो घास नहीं खाता। अब घास खाने वाला शेर कहाँ से ढूंढूं? ये शेर सिर्फ घास ही नहीं, भूसा भी खाएगा। शेर की बात कर रही हूँ, गधे की नहीं। तुम तो चंदन की लकड़ी की तरह खूबसूरत हो, तुम्हें ऐसा गंदा काम करते देख के मुझे बहुत दुख होता है। जयकाल साहब ने आपको देने के लिए 1000 रुपया दिया है और कहा है ज्योति को साथ में लेते आओ। खैनी खाता है? हाँ, खैनी और चूने को रगड़ कर मिला देने के बाद क्या वाला हुआ जाते हैं? नहीं तो चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरी जिंदगी और मौत को भी उसी तरह रगड़ कर मिला दूंगा। फिर मौत से अलग होने की बात तो दूर, तेरा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। नाराज क्यों होते हो? ज्योति के गले में मंगलसूत्र डालकर तुमने उसे अभी अपनी बीवी तो नहीं बनाया ना? फिर तो वो तुम्हारी रखेल हुई। अगर उसे 2-4 बाहर का धंधा करवा लोगे तो घर चलाने में सहूलियत भी हो जाएगी।
एक आदमी ने मुझे बुरा भला कहा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? इसलिए ना कि तुमने अपने घर में जगह देने के साथ साथ मुझे अपने दिल में भी जगह दे दी है। मैं चाहती हूं ये बात मुझे ही नहीं सबको पता चल जाए। ये मंगलसूत्र बांध दो मेरे गले में, अगर ना कहोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। ले ये सिंदूर मांगने भर दे। सदा सुहागन रहो बेटी। पता है सुहागरात में हर पति अपनी पत्नी को कुछ देता है। मेरे पास तो सिर्फ अंधेरा है। उजाला है। अंधेरा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम रोशनी की तरफ पीठ किए बैठे हो। तुम इस तरफ घूम कर बैठ जाओ। क्यों? बैठ जाओ फिर बताऊंगी। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कुछ भी नहीं, नाम तो माँ बाप रखते हैं मगर मेरे माँ बाप तो साले। अच्छा ये बताओ लोग तुम्हें पुकारते कैसे हैं? ए, अबे ओ, क्या बाबा क्या बीड़ू? अरे उस्ताद। बस 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 ऐसा करते हैं आज तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या ठीक है? मेरी भी तकदीर देखो ना कैसी है। शादी के बाद पति पत्नी मिलकर बच्चों के नाम रखते हैं लेकिन मैं अपने पति का नाम रखूंगी। अरे ये तो अच्छा है ना, अपने से कुआं खोदो और पानी पियो। और नाम रखना ही है तो ऐसा रखो जिसे सुनते ही ऐसा लगे जैसे कोई दादा घोड़े पर सीना ताने चला रहा। दादा घोड़े पर सीना ताने, ऐसा एक नाम याद आया। क्या? नेपोलियन। नेपोलियन? अरे वो तो मेरा पुराना फ्रेंड है। वो कैसे? जब मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते ना तो मैं ब्रांडी पीता हूँ, नेपोलियन ब्रांडी। अरे बाबा किधर है तू? क्या ढूंढ रहे हो? अरे नीचे एक नेपोलियन ब्रांडी की पुरानी बोतल रखी थी, उसमें उसकी फोटो भी है। नहीं अब उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बोतल और ब्रांडी दोनों को भूल जाओ। और सुनो एक नया नाम दीपक कैसा लगा? अरे वाह बहुत अच्छा, ये दीपक और तुम इसकी ज्योति। उस्ताद क्या डिस्को नाम है? अबे ओ डिस्को के टुक्कर, तेरी चमड़ी उधेड़ के उसका ताशा बना दूंगा, चल भागता के। अरे उस्ताद मैं तो ये कहने आया था कि मोहल्ले की टीवी में चित्रहार आने वाला है, तुम देखोगे क्या? ए, भागता क्या? अरे चित्रहार आने वाले गाने देखा है। एक बच्चा एक परिवार, सुखी रहे सब संसार। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारा पेट तो बराबर है।
मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था? हाँ, ताकि तुम्हें दीपक बना सकूं। नाराज क्यों होते हो? अब मैं इस झूठ को सच कर दूंगी। रोको मत, ये समझ लो कि ये जख्म अब मेरा है। इसे तुमने सुहाग रात में तोहफे में मुझे दे दिया। रॉब से तुमने कहा था कि मैं ज्योति को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा आदमी मार खाकर आ गया और तुम यहाँ बैठे घोड़ा हिलाते रहे। ज़बान संभाल के बात कर। औरत उसके सामने ज़बान संभाल कर बात करती है जिसकी वो औकात नहीं जानती। दो टके की औरत मुझसे औकात की बात करती है? वो दिन भूल गई जब तू 50-50 रुपए में बिकती थी। तू वो दिन भूल गया जब दो दो बोरी सीमेंट के लिए अफसरों के पास मुझे सप्लाई किया करता था, 50 रुपए में बात करके ले जाता था और मुझे देता था सिर्फ 40 रुपए। अरे तू तो उस लायक भी नहीं थी। लेकिन तू मेरी दलाली करने लायक जरूर था। लेकिन मेरी मिट्टी तेरी तरह खराब नहीं है। मुझे देख, मुझे, मैं कहां से कहां पहुंच गया। और तू अपने आप को देख, तू आज भी वही है, बेडरूम का बिस्तर। और तू है बिस्तर की चादर झाड़ने वाला नौकर। पहले तो छोटे छोटे अफसरों के लिए दलाली करता था, अब मिनिस्टरों के लिए दलाली करता है। तेरी भी नौकात बदली है ना जात। खामोश। खामोश तवायफ नहीं भड़वे रहा करते हैं, उन्हें सब सुनना पड़ता है। ज्योति को बर्बाद कर देने का अपना वचन तुझे पूरा करना होगा, वरना। वरना क्या? जब ब्लाउज छोटा होकर पहनने लायक नहीं रह जाता तो मैं उसे फाड़ देती हूँ। आग लगी हमरी झोपड़िया में, हम गाए मलार। अरे देख तो, वो दाढ़ी बना रहा है। रात को बीवी के चुभ गई होगी, डांट पड़ी होगी, इसलिए सुबह होते ही शुरू हो गया। अब अच्छा लग रहा है। ए ही, जरा आकर देख तो सही मेरा थोबड़ा कैसे दिख रहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, बड़े चिकने लग रहे हो। और ये क्या कर दिया? ये वो पहली बार दाढ़ी बना रहा हूँ तो कट गया। उठो। कहाँ? चलो। कहाँ मगर? अरे चलो तो सही। अरे अरे ये क्या कर रही हो? चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी आई। अंदर यहीं कहीं दाढ़ी बना लेते, बाहर बैठने की क्या जरूरत थी? देखा ना, नजर लग गई। सीधा बैठो, सीधा बैठो ना। अबे ओ, सीधा बैठ। ये तो एक ही रात में अबे पर उतर आई। गुड मॉर्निंग। ये तो कुछ भी नहीं उस्ताद, मेरी माँ तो गुस्से में पिताजी को डंडे से पीटने लगती थी। ये भी जाके सिखा दे जा। तू जाता किधर है? दीदी को डंडे वाली बात सिखाने। डंडे वाली बात सिखाने? जरा घूम तो सही। अगर मैं घूमूंगा तो तू मुझे मारोगे। तू नहीं भी घूमेगा तो भी मैं तुझे मारूंगा। बाहर जाकर अगर किसी को अंदर की बात बताई तो जान से मार डालूंगा। और खबरदार, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की, भाग यहां से। साला धंधे के टाइम पर खोटी करता है। सुनो, ये जो तुम्हारे गले में चेन है ना, बहुत छोटी है, उसकी जगह ये पहन लो, बहुत जचवे। अब तुम भी मेरे साथ मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, ये साइकिल की चेन है,
गुंडा छाप चीन। हाँ अब तुम बिल्कुल दादा लग रहे हो। सुनो ये क्या है, तुम अपने आप को दीवार का अमिताभ बच्चन समझते हो क्या? सुनो ये क्या है, तुम क्या अपने आप को श्रीदेवी समझती हो कि जो करोगी अच्छा लगेगा? कैसा है कूचू? रुक जा वहीं और मेरे सवाल का जवाब दे। वो लौंडिया जो तूने घर में रखी हुई है, मैंने उसे लाने के लिए अपने आदमी को भेजा था, तूने उसे मार पीट कर क्यों भगा दिया? उस वक्त दाढ़ी मुंडवा रहा था क्या? नहीं, जरूरत से ज्यादा दारू पी रखी होंगी ना। हाँ, मुझे मालूम है। कुछ सही कहता है, मैं उसे यहाँ ले आऊं। इसमें पूछना क्या है, साथ लेके आना था। ये ले 5,000 रुपया और ले आओ उसे। ये तो कम है। तो ये ले पूरे 10,000। अब ले आ। ये रहे 10,001। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। क्या बोला रे, अपनी बीवी को तेरे पास भेज दो? ठीक इसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था, इसलिए कि वो मेरी बीवी है। याद रख नीकू, फिर कभी तूने मेरे घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैं अपने दरवाजे पर नींबू मिर्ची की जगह तेरी मुंडी काट कर लटका दूंगा। तुझे बताना चाहिए था ना कि उसके घर में कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है। खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करें। एक मर्डर करोगे? किसका? कामेश्वरी बाई का। ये वही कामेश्वरी बाई है जो किसी भी कीमत पर तुम्हारी बीवी को बर्बाद कर देना चाहती है। तो फिर एक बार क्या, वो जितनी बार जन्म लेगी उतनी बार उसे मारने को तैयार हूं। ये उसकी कीमत है। जवाब नहीं तुम्हारा, बादशाह हो बादशाह। कहां से लाए ये रुपए? ये नेगू अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं भी देता तो भी मैं इस कामेश्वरी को चीर फाड़ करके चौराहे पर सूखने के लिए रख देता। ये डायन वही है तेरी दुश्मन, जिसने तेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे 5,000 रुपए भिजवाए थे। ये तो अच्छा किया उसने, वरना तुम कहां से मिलते? अच्छा ये बताओ, वो जो सामने वाले घर में रहती है उसे क्या कहकर पुकारते हो? टेलर की जोरू। और जो मंदिर के बगल में रहती है उसे? वो पंडितायन। और जो उसके बगल में रहती है वो? वो पोस्टमैन की जोरू। जानते हो वो लोग मुझे क्या कहकर पुकारते हैं? गुंडे की जोरू। किस फड़वे की जोरू ने तुम्हें ये कहा? उसके मुंह में लाठी ठोस कर उसके खोपड़ी से निकाल दूंगा। मेरे होते तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है, मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मैंने कहा मेरा पति बुरा काम करता है तो क्या हुआ, अरे एक ही झटके में 5,000 कमा लेता है, चाहे तो 10,000 भी कमा सकता है। फिर जानते हो वो क्या बोली? वो बोली मेरा पति अगर कम कमाता है तो क्या हुआ, मगर मेहनत करके कमाता है। और कह रही थी मेहनत की थोड़ी सी कमाई में भी बड़ा आनंद आता है। दीपक, मेहनत की कमाई में ऐसी क्या खास बात है जो वो इतना बोले जा रही थी? क्या मेहनत की रोटी में अलग खुशबू होती है? और अगर ऐसा है तो क्यों ना हम भी उन्हीं की तरह कमा कर देखें? अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से यही काम करने लगना।
फिर मैं हर सुबह तुम्हें विदा करके ये सोच सोच कर मरती रहूंगी कि पता नहीं तुम घर वापस जिंदा लौटोगे या नहीं। और जब शाम को तुम घर वापस लौट आओगे तो मैं जी पड़ूंगी। रोज जीने और मरने में तकलीफ तो बहुत होगी मगर पैसे तो बहुत मिलेंगे ना। मैंने फालतू में ही तुम्हें परेशान कर दिया। चलो हाथ मुंह धो लो। कामेश्वरी भाई पागल हवा की तरह दंदनाटी फिर रही है और ये मजे में यहाँ हथौड़ा चला रहा है। ये सारे पैसे इसी दुकान में लगा दिए क्या? वीसीआर ए आओ हमारे साथ। ये लो पूरे 10,000। ये क्या? देखो तुम्हें और रुपए चाहिए तो ले लो लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारा बदल जाना हमें अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें बदल जाना ही था तो सरकार को पहले नोटिस देना चाहिए था कि भाई मैं इस तारीख से बदल रहा हूँ। किसी को भी मालूम नहीं होता कि वो कब जन्म लेगा और कब मरेगा। ए, तुमने हमारी लाइन को तवायफ का कोठा समझ रखा है क्या? जब चाहे छोड़ दिया, जब से किसी के साथ घर बसा लिया। देखो तुमने जितने अपराध किए हैं उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। अगर वो हम पुलिस में बता दें तो जेल में भर दिए जाओगे। वहां भी ये बदन टूटेगा नहीं क्योंकि गालियां लात और चूते खाकर ये बदन मजबूत बना है। अपनी सोचो नेगु, अगर मैंने तुम लोगों के बारे में बता दिया तो काजू बादाम और किशमिश से बनाया हुआ यह बदन भुग्गे की तरह पिचक जाएगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी को पूरा भी करके दिखा दूंगा। जयकाल बहुत ही कमीना और दोगला आदमी है। अगर कोई उसके चुटकी भी ले ले तो वो उसकी गर्दन उतार लेता है। फिर तुमने तो खुल्लम खुल्ला उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली। अगर तुम और जयकाल शेर हो तो मैं पौवा हूं। अगर मैं तुम्हारी तरफ आ गई तो तुम सवा शेर हो जाओगे। वो कैसे? मैं तुम्हें जयकाल के खिलाफ ऐसे सबूत दूंगी जिनके बल पर तुम इसे सरेआम नंगा कर सकते हो। फिर इसे कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वादा? वादा। अरे भूख लगे तो खाना खा, भूख लगे तो। अरे ज्योति, खाना तैयार हो गया कि नहीं? बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना भी तैयार है और बीवी भी तैयार है। अभी तो मुझे सिर्फ खाना चाहिए। ये लो खाना। ये क्या इंसानों का खाना है? दाल ऐसी बनाई जाती है, ये खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है?
इमली मिला दी होगी और नमक तो ऐसा लगता है दोनों हाथों से डाला, एकदम जहर बना दिया तुमने। मगर मैंने तो उतना ही डाला है जितना हर रोज डालती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ये चावल तो कल के होंगे, महक रहे, अभी बनाए हैं। अरे चुप रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, तुम ही खा लो तुम ही। अगर तुमने एक भी दाना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खाया नहीं जाए तो मुंह में ठूस लो, लेकिन जब तक तुम पूरा खाना खत्म नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो खाना शुरू करो। बचपन में मेरी मां मर गई थी ना, इसलिए किसी ने घर गृहस्थी चौका बर्तन के बारे में सिखाया ही नहीं। पहली बार खाना मैंने तुम्हारे लिए दिवाली पर बनाया था और अब यहां बना रही हूं, जरूर मुझसे अच्छा नहीं बना होगा। तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना तो ना मुझसे खाया जाएगा और ना जिया जाएगा। नहीं छोटी, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चावल इतने कम थे उसमें चाहे तुम्हारा पेट भरता या मेरा, और तुमने सारे चावल मेरे थाली में रख दिए। अगर मैं खा लेता तो तुम भूखी रह जाती ना, और तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है ना। ऐसी बात थी तो बोले क्यों नहीं, दोनों आधा आधा खा लेते। मैं चाहता था तुम पूरा खाना खा लो, इसलिए सब ड्रामा करना पड़ा। भांजे, जब अंदर गया तो क्रांति थी, लेकिन अब शांति है। सच मामा, ऐसा मजा आया लगा जैसे एक ही बॉल में सेंचुरी मार दी हो। ठका ठकू, अरे रे, तू कहाँ घुसी जा रही है, बड़ी बेशर्म हो गई है तू। क्यों, क्या हुआ माटी मिली, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे मामा, पहले तो मर्द यहाँ वहाँ कहीं भी घुस जाते थे, लेकिन इस औरत को देखो कितनी बेशरम है, मर्दों के बाथरूम में घुस रही है। देखो ना, अरे आपके अंधो, ये मर्दों का नहीं औरतों का बाथरूम है। बेशरम मैं नहीं, मारो। अरे मुझे क्यों मार रही हो, मैं भी हर नया हूँ, मुझे क्या मालूम कहाँ बॉल रखते हैं कहाँ बल्ला। ये सच बोल रहा है। ए दादा, ए चंपा, ए सोनू की माँ, जल्दी आओ, इन दोनों की मरम्मत करो। ये जब से छठा महीना शुरू हुआ है हाथ तक लगाने नहीं देती, दूसरे कार्ड पर सोने को बोलती है। मैं क्या करूं, घर में खाने को नहीं मिलता, बाहर जाकर कुछ खा लूं इसके लिए दिल नहीं मानता। ये दिल भी तो साला शराफत की पेंदी में घुस गया है, मगर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या बकबक कर रहे हो? हा? कुछ नहीं, मैं एक महीने से देख रही हूँ, शाम होते ही तुम्हारा रोना शुरू हो जाता है। और कर भी क्या सकता हूँ, आकर थोड़ा सा आम का अचार खा लो। देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी तो तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी शर्ट का बटन टूट गया और तुम्हारा इस तरह ध्यान ही नहीं जाता। बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो, शर्ट उतारो मैं बटन सी देती हूँ। मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। ठीक है मत उतारो। यार इतनी दूर क्यों बैठी हो, थोड़ा पास आओ ना। नहीं, इतनी दूर बैठकर सीने के लिए मैंने बटन तोड़ा था। क्या बटन तुमने खुद ही तोड़कर फेंक दिया? और क्या, ताकि तुम मेरे और करीब आ सको। अगर ऐसी बात थी तो ये बटन तोड़ दिया होता, मुझे और करीब आना पड़ता। अरे इसमें कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा, ये लो इसे भी तोड़ दिया। जब तुम ऐसी शरारत करते हो ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। ज्योति, अरे रजनी आओ आप। और चंदा तुम कैसी हो? अच्छी हो, कहो कैसे आना हुआ? ज्योति कल मेरे बच्चे का नामकरण है, तुम जरूर आना। हाँ आप भी आइएगा भाई साहब। मैं? हाँ अपनी पत्नी के साथ आइएगा। पानी भरकर लाने में बहुत तकलीफ होती है,
इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर ले। अरे शादी से पानी का क्या रिश्ता? अरे शादी कर लेगी तो पति महोदय पानी भर दिया करेंगे। अरे अभी पति नहीं तो मुझे बोलो, मैं पानी भर के भी ला दूंगा और पिला भी दूंगा। ये पिल्ला आ गया मरने, ये मर जाए तो सबको शांति मिल जाए। याद रखना, अगर कल आप लोग नहीं आए, जब आपके बच्चे का नामकरण होगा तब हम भी नहीं आएंगे। हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। चलो आना जरूर। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब जो लोग अभी आए थे, कल तक मुझे गालियां देते थे, मेरी मौत की दुआएं मांगते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इज्जत से अपने घर बुलाने आए। इतना सम्मान, इतना आदर मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुमने मुझे नई जिंदगी का वरदान दे दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। छोटा बच्चा रे, छोटा
ज्योति, जल्दी से गाड़ी ला, अस्पताल जाना है। हॉस्पिटल? मगर ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, लेकिन तुम अकेली? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ तो। अच्छा तुम लेटो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ ज्योति। मैं, अरे ऑटो रुको रुको, क्या है? हॉस्पिटल जाना, मैं अभी अपनी बाइक को लेकर आता हूँ। ओ भाई, ये रिक्शा अस्पताल नहीं जाता। ऐसा मत बोलो यार, इस पर टैक्सी ऑटो कहाँ मिलेगा? अस्पताल जाने का एक आसान सा रास्ता बताऊं? हाँ। किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, लोग अपने आप अस्पताल पहुंचा देंगे। यार मेरे चेहरे पे तो अभी दाढ़ी भी नहीं है, तू रो क्यों रहा है? अरे चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, वरना तेरे डैडी आ जाएंगे। एक जमाने में बहुत बड़े गुंडे थे वो, उठा ले जाएंगे तुझे। मैं अभी आया। कौन है? मैं हूँ। क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। क्या काम? हो जाने पर दिखा दूंगा, इससे पहले यहाँ मत आना। ठीक है, अब तुम आ सकती हो। अब बताओ क्या कर रहे थे? पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा। ये क्या पहना दिया इसे? एक तो यह है काला धागा जो मेरे बेटे को बुरी नजर से बचाएगा, और यह है इज्जत का ढक्कन। इसका फायदा यह है कि हवा भी जाती रहेगी और पर्दा भी रहेगा। मर्द बच्चों को इस पर्दे की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो एक काम करो, इसे अपने पास रख लो, अपने आने वाली बच्ची के लिए। आने वाली बच्ची का भी ख्याल है, मगर ऐसा कभी हुआ कि तुम मेरे लिए कोई चीज खरीद कर लाए? मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं, अब बता दो तुम्हें क्या चाहिए? रहने दो, पूछकर कोई चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बताना। नहीं। बताना यार। नहीं। अबे तू बताती कि नहीं? बताती हूँ, बताती हूँ। वो जो पांव की उंगलियों में पहनते हैं ना, उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, नुपुर कहते हैं उसे, वो ले आना। हुजूर, कुछ और झंडे बनाने बाकी रह गए हैं, उनमें क्या लिखवा दूं? लिख दो, औरत संसार के लिए वरदान है, औरत पूजा के योग्य है, औरत जगत जननी है। Hey!
तूने ही कामेश्वरी बाई और तिवारी जी का मर्डर किया है, तूने ही बोल। झूठ है, नहीं ये सच है, सच, तूने ही उनका मर्डर किया है, बोल। ये धंधा मैं पहले ही छोड़ दिया है, वरना मैं तेरा भी मर्डर कर देता और कामेश्वरी का मर्डर 8-10 महीने पहले हो गया होता। उसे मारने के लिए मैंने नेगू से सुपारी भी ली थी जो मैंने वापस कर दी। कौन नेगो? जयकाल। जयकाल? जयकाल जैसे शरीफ आदमी बेल्जाम लगाते हैं। तो मुझे तो पहले से ही शक था कि यह खून जयकाल ने करवाए और अब यकीन हो गया है, मगर सिर्फ तुम्हारी गवाही पर उसे सजा नहीं दिलवाई जा सकती। मुझे उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने होंगे और तब तक के लिए तुम खामोश रहोगे। छोड़ दो इसे। किसने ली जमानत? खुद इंस्पेक्टर अरुण यादव ने। यादव? इसका मतलब यह हुआ कि उसे आपके खिलाफ जो कुछ बकना था वो सब बक चुका है और इंस्पेक्टर यादव उसी के बल पर आपको गिरफ्तार करने का ख्वाब भी देखने लगा है। मुझे गिरफ्तार करने से पहले उसे उस लोहार की लाश का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। सरकार, मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसे बीच चौराहे पे उड़ा देता हूं। उड़ेगा तो जरूर, कैसे और कहां ये उसका नसीब। अच्छा सुनो, उनसे कहना इसमें जितना भी है पूरा खा ले, कुछ भी ना छोड़े। फिकर नॉट दीदी, मैं उसे अपने सामने खिलाऊंगा। और सुन सुन सुन, उनसे कहना आते वक्त इसमें चमेली के फूल भर कर लाए, आज मंदिर जाना है। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, तब तो आज रात गर्मा गर्म पकवान भी खाने को मिलेगा। भाग्या से खुशबू आ रही है, मजा आएगा खाने में। मौका देखते ही उसका टिफिन इस टिफिन से बदल देना। करेक्ट। हाँ, लेकिन बदलने से पहले देख तो ले इसमें है क्या। अरे बेवकूफ, इसमें मौत बंद। अरे क्या हुआ? दीपक की मौत, जैसे ही वो इस डब्बे को खोलेगा अंदर रखा हुआ बम फट जाएगा। यही अच्छा मौका है, ये ले। ना तू जमी के लिए है ना आसमान के लिए। उस्ताद, दीदी ने कहा है इसमें चमेली के फूल भर के ले आना, आज मंदिर जाना है ना। अभी काम दाम छोड़ो और हाथ मुंह धोकर खाने पे टूट पड़ो। खाने को कहां दिल चाहेगा, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। बड़े अरमान से पहली बार तो उसने कुछ मांगा है मुझसे, लेकिन लगता है उसके लिए भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। भाई साहब, जरा जल्दी से पहिए पे हाल चढ़ा दोगे? जिस तरह रोते हुए ये कह रहा, लगता है उधारी में काम कराना चाह रहा है। अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। भाई कर दो, बहुत अर्जेंट है, मैं 100 रुपया दूंगा। 100 रुपया? तू मुंह क्या देख रहा है, चल भाग, चाय लेकर आ। ये खाना खाने का टाइम है या चाय पीने का? ज्यादा बहस मत कर, टिप्पणी आ रहा है, भाग यहां से, चल भाग। 100 रुपए दे दो और 1 घंटे के बाद वापस आना, काम तुम्हें रेडी मिलेगा, चल भागो। चाय फर्स्ट क्लास कड़क है ना? तुम्हारे उस्ताद का टेस्ट मुझे मालूम है। चीकू को भेजा चाय लाने, पता नहीं कहां मर गया, भूख भी लग रही है। काम बाद में करते, पहले खाना खा लेते। अरे वाह, मुझे चाय लेने भेज दिया और तुम यहाँ खाना खाने जा रहे हो? अरे तुझे देर हो रही थी इसलिए, ला पहले चाय पी लेते। ये लो। एक बात है चीकू, लेकिन तू बहुत छोटा है, पता नहीं तुझसे कैसे बोलना चाहिए। बिल्कुल सीधा बोल दो, बाद में मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। समझ लो मैंने तुझे 100 रुपए दे दिए और तू नूपर, नूपर समझता है? हाँ समझता हूँ। नूपर लेकर ज्योति के पास चला गया। बिल्कुल बकवास आइडिया, उन्होंने मांगा तुमसे और मैं जा कर दूं, ये अच्छा लगेगा क्या? तो एक काम करते हैं, शाम को चमेली के फूलों के साथ उसे भी डब्बे में रख देते हैं। मैं उसे बताऊंगा नहीं, जब वो खुद डब्बा खोलेगी तो खुश हो जाएगी। ये आइडिया थोड़ा ठीक है, पर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ
वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। तू क्या सोच रहा है? अरे हाँ, एक और आइडिया आया। रात में जब इस बार सही पकड़ा तुमने, रात में जब मेरा बेटा विजय भी सो जाए और मैं धीरे से उठकर उसकी खाट के पास जाऊं, जाकर उसके पांव के पास बैठ जाऊंगा, बैठकर जो नूपुर में ले जाऊंगा, उन्हें चुपके से उसके पांव की उंगलियों में डाल दूंगा। अगर दीदी उठ गई तो? उठने दो, फिर उसकी उंगलियों को चूम लूंगा। बाप रे! अबे चुप! फिर वो खुश होकर बिस्तर से उठ जाएगी, उठकर मुझे गले लगाकर चूम लेगी, तो कैसा लगेगा? एकदम डिस्को, ये सुपर आइडिया है। मानता ना मेरी खोपड़ी को, मोहब्बत करने से आइडिया अपने आप चले आते हैं। देखो पांच बज गए हैं, अभी तुम्हारे डैडी आते होंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे, फिर तुम, मैं और डैडी स्टूडियो में फोटो खिंचाएंगे। नहीं बेटा रोना नहीं। क्या प्लान बना रही हो? तुम्हारी उम्र 100 साल लंबी है, मैं अभी अभी इसे तुम्हारी बातें कर रही थी। ये रो क्यों रहा है? लाओ इसे मुझे दो, और इसे पकड़ लो, पकड़ लो इसे। ओ, अरे ये तो भारी लग रहा है, इसमें चमेली के फूल भर कर लाए हो क्या? अरे इसे खोलना मत, खोलना मत, खोलोगी तो नाराज हो जाओगी। तुमने जो खाना भेजा था वो मैं वैसे का वैसे वापस ले आया। क्यों, खाया क्यों नहीं? 15-20 कप चाय पी ली तो भूखी मर गई, इसे मैं बाद में खा लूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? इसमें खाना पड़े पड़े खराब हो जाएगा, इसे मैं दूसरे बर्तन में डालकर। बेटे आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए, मैं आज ही रात उसका इंतजाम कर डालूंगा। लेकिन तू ऐसा रोता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अरे इसने तो कर डाला। अरे ज्योति आई, क्या बात है? तुम्हारे बेटे ने पेशाब कर दिया। अरे रे रे, लाओ लाओ मैं बदल देती हूँ। अरे यार आज पता नहीं क्या बात है, रोता ही जा रहा है। मैंने भी इससे पूछा आज तू रो क्यों रहा है, तो बोला मुझे एक भाई चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं इसे अकेला भाई कैसे दे सकता हूँ जब तक तुम मेरी मदद नहीं करो। बस घूम फिर के वहीं आ गए। आज तो आना ही है, आज हमारी सुहागरात की सालगिरह जो है। मंदिर नहीं जाना है क्या? जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, देखो तो कैसे लग रहे हो। मेरा मुंह जैसा भी लगे मुझे परवाह नहीं, मंदिर जाते समय दिल साफ होना चाहिए, ये बात भी तुम्हीं ने मुझे सिखाई है। अरे उस्ताद मैं रेडी होकर आधे घंटे से खड़ा हूँ, आप लोगों ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। अरे ये कुछ करने दे तब ना, लगता है क्लासिकल संगीत का मास्टर बनेगा। पहले तो ऐसे कभी नहीं रोया, पता नहीं आज क्या हो गया इसे। इसीलिए गांव में बूढ़े कहते हैं कि भले ही शादी पहले हो जाए मगर बच्चा लेट पैदा करना चाहिए। उन्हीं की बात सुनकर तो तेरे बाप ने तुझे लेट पैदा किया, और तेरे जवान होने से पहले ही लेट गए, साला भाषण देता। दीदी मैं विजय को गोद में ले लूं? हाँ, अरे विजय मैं तो इसकी दूध की बोतल लाना ही भूल गई, जरा चाबी दो, तुम इसे जरा पकड़ो, मैं अभी आई। अरे छोड़ो बेटे, मैं अभी आई, छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। अरे रे रे बेटे मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बस अभी तुम्हारी दूध की बोतल लेकर आई। ना मेरे आने तक रोना नहीं। अरे चुप हो जा मेरे बाप, जल्दी से आ जाना, तुम्हारे बिना ना मैं रह सकता ना तुम्हारा बेटा रह सकता है। शादी की सालगिरह है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मेरे लिए कुछ भी ना लाए हो। इसमें जरूर कोई ना कोई चीज है जिससे आज रात को मुझे चौंकाएंगे। अरे चुप हो जा, तू तो खुश नसीब है, तू दूध के लिए रो रहा है, तेरी उम्र में मैं माँ के लिए रोया करता था।
अपने ये आंसू हाय तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे कुछ नेता जनता को सिर्फ चुनाव के समय ही याद करते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसीलिए मैं जनता की सेवा में दिन रात लगा रहता हूं, जनता के दुख दर्द को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अभी बहुत खतरा है, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, कुछ करना होगा। कोई रोको इस खतरे को, आप लोग चुपचाप बैठे क्या देख रहे हो? ये गुंडा हमारी तरफ बढ़ रहा है, रोको इसको। Thank you.
करो मुझसे। गुस्से में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम्हारी कसम, मैं वादा करता हूँ। Yeah.